एक तर्क करने वाला विद्वान गुरु के पास गया। उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा की आवश्यकता है। गुरु ने नज़र दौड़ा करके देखा कि बोल तो रहा है लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, आप चले जाओ यहाँ से, आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से और यहाँ नहीं रुक पाओगे, यहाँ रुकना आसान नहीं होता। उसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं ज़रूर यहाँ तो रुकने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, चले जाओ यहाँ से। उसने कहा, मैं सोच के बताता हूँ। गुरु बनाने के लिए गए और उसने कहा गुरु को कि सोच के बताता हूँ। गुरु भी देख रहे थे कि ये सोचेगा तब मुझे बताएगा। जब इसको खुद ही जानकारी नहीं, पता ही नहीं, जाना है या नहीं जाना, इतने विचार द्वंद के अंदर फंसे हुए आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जी मैं सोच करके आ गया। उन्होंने कहा, क्या सोचा? कि मैं फैसला करके आया हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा, अरे तुम फैसला करने वाले कौन हो और ये मुझे फैसला सुनाने वाले तुम कौन हो? फैसला करने वाला तो मेरा या तो परमात्मा का अधिकार है या गुरु का अधिकार है, तुम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरा फैसला है। संतों, उन्होंने कहा, संतों को फैसले नहीं सुनाए जाते, संत केवल एक की सुनते हैं, उसी का फैसला सुनते हैं, दूसरा किसी का नहीं। उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है रुक जाओ। कुछ दिन हुए, उन्होंने कहा कि जाओ भोजन लेकर के आओ। वो बैठा बैठा सोच रहा, क्या मैं यहाँ गुरु के लिए भोजन बनाने के लिए आया हूँ? क्या मेरा यही काम है? गुरु देख रहा उसकी ओर। उन्होंने कहा कि बेटा खड़ा हो और भोजन बना ले, अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा, क्या गुरुजी, मैं भोजन के लिए आया हूँ? उसने कहा, ठीक है, मेरे लिए भोजन ले आओ और आज से इसका भोजन बंद कर दो। वो छटपटाने लगा, एक दिन ही भोजन बंद हुआ था, हाथ पैर मारने लगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, संत लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? संत तो दया के भरे हुए होते हैं, संतों को कैसे है ये शोभा देता है? ये तो संत ही नहीं है, हजारों कमियां दिखने लगी अपने गुरु के अंदर। उन्होंने कहा कि बेटा कहीं भी चले जाओ, चाहे आप संसार के अंदर रहो चाहे आप बाहर चले जाओ, देखा होगा तुमने कि जो संत हैं वो भी कंदराएं बना करके रहते हैं, पहाड़ों को काट करके रहते हैं, उन्हें भी आवश्यकता पड़ी। लाल गेरवे वस्त्र धारण करते हैं, काले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं और वहाँ आप देखते होंगे भटकते हुए, तीर्थों के ऊपर मैंने देखा है, मांग मांग करके खाते रहते हैं। घर से भाग गए, आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, काम वही है जो घर होना था। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, घर रहते हुए भी साधना की जा सकती है और अच्छी तरह से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भोजन की आवश्यकता है। उन्होंने रात को भोजन दिला दिया और कहा, अब तुम चले जाओ, जब योग्य हो तब आना यहाँ, यहाँ साधना करने वालों की आवश्यकता है, यहाँ आदेश देने वालों की आवश्यकता नहीं, यहाँ तर्क करने वालों की आवश्यकता नहीं, यहाँ ध्यान करने वालों की आवश्यकता है, यहाँ ज्ञान देने वालों की आवश्यकता नहीं, यहाँ भक्ति करने वालों की आवश्यकता है। इस संसार के अंदर परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन जब तक कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो, जब तक उसका सब कुछ संयोग मिलाने वाला ना हो, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। आप जिस प्रकार से समझो, आप लोगों के बीच में सारी वस्तुएं डाल दी जाएं, आटा भी डाल दिया जाए, पानी भी डाल दिया जाए, सामान भी डाल दिया जाए, नमक भी डाल दिया जाए, अग्नि भी जला दी जाए और जो बनाने का सारा सामान है वो रख दिया जाए, अगर किसी को बनाना ना आए, नमक की जगह आटा डाल दे, आटे की जगह नमक डाल दे, अगर सारा बैलेंस ना बना पाए, एक एक चीज़ की सही मात्रा ना डाल पाए,
तो क्या भोजन तैयार हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार से ये आप लोगों का जीवन है, ये भाग रहा परमात्मा की ओर। उसने सब कुछ दे करके भेजा है, सबको बराबर दे करके भेजा है। उन्होंने कोई फर्क नहीं किया किसी के साथ भी, उन्होंने सबको बराबर दिया। वो सबको बराबर देता है, वो कोई फर्क नहीं करता, वो सबको देता रहता है। लेकिन ये हमारा काम है कि हमें कितना आता है उसको इकट्ठा करना, हम किस प्रकार से उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जो जितना सदुपयोग करता है वो उतना ही ऊपर उठ जाता है। तो उसी प्रकार से आप इस जीवन का जितना सदुपयोग करते हैं उतना ही आप इसका लाभ उठाते चले जाते हैं। जितना भी आप इसको एक एक चीज़ को जीना सीखते हैं उतना ही इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता चला जाता है। जितना आप इसके नज़दीक जाते हैं, किसके? शरीर के नहीं, आत्मा के। जितना आप आत्मा के नज़दीक जाते हैं ये उतनी ही स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। बहुत स्पीड है इस आत्मा की, कोई नहीं रोक सकता, चाहे तब भी नहीं रोक सकता। सब अपनी प्रकृति की ओर भागते रहते हैं। आप जल देखो कितनी ऊपर से गिरता है, जब जल ऊपर से गिरता है तो पाक और पवित्र होता है, बहुत साफ होता है। आप उसको इकट्ठा करके देखो, किसी पात्र में डाल करके देखो, उसके ऊपर रिसर्च करके देखो, बहुत साफ जल होता है वो। लेकिन जब वो जल आता है या गंदगी में गिरता है, कीचड़ बन जाता है, कीचड़ बन करके वो बुरा हाल हो जाता है उसका, उसे दुर्गंध आने लगती है, जल को भी महसूस होने लगे कि दुर्गंध आ रही है। उसी प्रकार से ये आत्मा है, जब भी महसूस होने लगता है तो वो उससे धीरे धीरे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वायु के झोंके के साथ वो उठने लगता है और थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से उठ जाता है, निकल जाता है और फिर पाक पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से ये आत्मा है, जब ये परमात्मा के नज़दीक से आई थी बहुत पवित्र थी ये, लेकिन जितनी दूरी बढ़ती चली गई हम इन कर्मों के अंदर फंसते चले गए और जो ये कर्म का कीच है ये आत्मा के ऊपर भारी पड़ने लगा। आत्मा धीरे धीरे दबने लगी। आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न पवित्र कर सकता है, न अपवित्र कर सकता है। लेकिन जो ये पर्दा पड़ा हुआ है भ्रम का, जो इसके ऊपर ये परत दर परत चढ़ती चली गई और जो ये मलिन होता चला गया, जो ये दबता चला गया, मौका ही नहीं मिला उठने का। जब आप इसको उठाओगे, एक एक परत को उखाड़ करके फेंक दोगे तो केवल आत्मा की पवित्रता ही नज़र आएगी और आत्मा आपको सब स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। और जब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी तो जो ये जो संत महात्मा आपको नूरी शरीर कहते हुए सुने हैं, आपको इसे पार जाना है। क्योंकि नूरी शरीर हो, चाहे पंचतत्व का शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, अगर आप कारण शरीर में चले गए, कारण से परे महाकारण पर कारण ज्ञान देही विज्ञान देही तक भी चले गए, तब भी आप पूर्ण मुक्त नहीं हैं। कितना भी कोशिश कर ले ये पूर्ण मुक्ति नहीं है, फिर आपको वापिस आना पड़ेगा। जब तक इन सब शरीरों के चक्रों को तोड़ करके ऊपर नहीं उठोगे तो आपको इसी तरह से आना जाना इस संसार के अंदर लगा रहेगा। तीनों देवता भी बंधे हुए हैं, किसी का काम पालन करने का है, पोषण करने का है, किसी का काम रक्षा करने का है, किसी का काम संहार करने का है, किसी का काम पैदा करने का है। सब अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। मर्यादा से परे कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो मर्यादा से परे अक्षमता से परे कार्य करने की कोशिश करेगा उसकी सजा निर्धारित की गई है। सबका सब कुछ उस परमात्मा की नज़रों का खेल है। जब तक उसकी कृपा दृष्टि नहीं होती जीव इस ब्रह्मांड से मुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संसार में छटपटाते रहोगे, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश तक बन जाना, जब तक आप उस पूर्ण पुरुष तक नहीं पहुंचते मुक्ति संभव नहीं है। चाहे सारे ब्रह्मांड का राज ताज धन संपदा वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक उसकी कृपा प्राप्त नहीं होगी आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया।
जिसके ऊपर उसकी कृपा हो गई उसे कुछ पाना और खोना शेष नहीं रहता। लेकिन जब आप इन अवस्थाओं से गुजर करके जाओगे आपको एक एक चीज़ का एहसास होगा कि हमने क्या खो दिया, क्या पाया है, क्या संग्रह किया है, क्या लुटाया है, कैसे इन श्वासों की अनमोल दौलत को हमने संसार के लिए खो दिया, कैसे हमने इन युवा अवस्था को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, कैसे हमने इन छोटी छोटी चीज़ों के भोग विलास के अंदर अपने अनंत अनंत दौलत को लुटा दिया, कैसे हम किस प्रकार से जाग पाए, कैसे हमने इस संसार के एक एक श्वास को गिनते गिनते छोड़ दिया और यहीं छोड़ करके वापिस लौट गए। अरे हम तब भी नहीं जागते जब हम संसार के अंदर खड़े रहते हैं। जब आप तहसील में जाओगे, जब आप जा करके देखोगे तहसीलदार के पास, कागज उठा करके देखना जो आपके नाम रजिस्ट्रियां हैं, इससे पहले किसकी रजिस्ट्रियां थी, उससे पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी, सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा कहां से शुरू हुआ कहां तक। ये यही नहीं रुकेगा कि आपके ऊपर रुक जाएगा, ये आगे भी बनता चला जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाएगा। बस नाम बदलते रहेंगे, समान वही का वही रहना है। जब रहना वही का वही है तो हम क्यों इसे कुछ सिर के ऊपर उठाए हुए दौड़ रहे हैं। आप सोचो विचार करो, हम नमस्ते और प्रणाम उसी को करते हैं जो हमारे से अच्छा काम करने वाला लगता है। आजकल लोग आत्माओं को प्रणाम करना बंद कर दिया, आत्माओं को नमस्कार करना बंद कर दिया। क्या है ये संसार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपको परमात्मा की ओर नहीं लेकर के जाएगा, संसार की ओर लेकर के जाएगा। ये आपको ऊपर नहीं उठाएगा, नीचे गिराएगा। जितना आप नीचे गिरते जाओगे आपकी स्थिति खराब होती जाएगी, जीवन खराब होता जाएगा, शरीर साथ छोड़ना शुरू कर देगा, आपके केस सफ़ेद होने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, शरीर जवाब दे जाएगा। तब आपके पास क्या ऑप्शन होगा, न भक्ति का न संसार का, जाना तो पड़ेगा, उसका बुलावा आएगा, आप निकल जाओगे। वहाँ धर्मराज के दरबार में जब गर्दन नीची होगी तब आपको पता चलेगा, वो सवाल करेगा आपसे, मैंने क्या इसीलिए भेजा था, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि न आपने भक्ति की है, न आपने साधना की है, न गुरु की बंदगी की है, न शब्द के ऊपर चले हो, न सेवा की है। आप सोच भी नहीं सकते, आपके तो दिमाग में भी ये चीज़ें नहीं हैं, तो कैसे कल्याण होगा।